नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार का BDO पद, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, इन दोनों को ही BDO के नाम से हम जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों पदों को, बिल्कुल अंतर समझाते हुए चलेंगे। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा डाउट में रहते हैं कि सर, ग्राम पंचायत अधिकारी को भी BDO कहते हैं और ग्राम विकास अधिकारी को भी BDO कहते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि इनके जो पद होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, वो UP SSC आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकलते हैं। अगर हम इसके सिलेक्शन की बात करें तो इसके माध्यम से इसके जो पद हैं वो निकलते हैं, उसके बाद एक परीक्षा होती है। वैसे मैं इसके सिलेबस पर कई बार बात कर चुका हूँ, पूरे पैटर्न पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप थोड़ी सी जानकारी मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, इसके सिलेक्शन में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपसे 150% परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्न है आपके हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी, और आपके GK जनरल नॉलेज, और आपका रहता है रीजनिंग, ठीक है। इसमें आपसे 3 ये सब्जेक्ट रहेंगे, 50-50% परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि 150 प्रश्न आपके 300 अंक के रहेंगे ये, ठीक है। ये मैंने आपको जानकारी दे दी। और BNY 2 की नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलती है, तो इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है बड़ा धुआंधार है भाई। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपको बता दूं। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि 2018 से पहले इसमें इंटरव्यू होता था, ठीक है, लेकिन अब 2018 के बाद इसमें अब जो इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। अब समझ गए होंगे, क्योंकि सरकार हमेशा आती रहती है, बदलती रहती है, तो अपने नए नए रूल लाती रहती है। कोई इसमें इंटरव्यू चालू कर देता है तो कोई हटा देता है। तो वर्तमान अगर हम बात करेंगे तो इंटरव्यू आपका नहीं है, ठीक। एक परीक्षा होती है, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 अंक करेंगे, इसमें आपके जो है मेरिट बनती है, BNY 2 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। और इसमें आप सिलेक्शन आपका हो जाता है, अगर आपका इसमें जो है सिलेक्शन हो जाता है तो हम बात करेंगे। जैसा कि UP SSC पुराने अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत अधिकारी की एक अलग वैकेंसी आई थी, फिर एक ग्राम विकास अधिकारी BDO के नाम से आई है, ग्राम विकास अधिकारी की एक अलग वैकेंसी आई थी, और एक वैकेंसी जो आई थी 2018 की अगर हम बात करेंगे तो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, एक समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ये तीनों पद को मिलाकर के BDO कहा गया और उसके पद निकले थे, ठीक है, समझिएगा। अब हम आगे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी की, ठीक है, BDO। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे पूछते हैं कि सर BDO पद कैसा है। देखिए, पद आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें आपको मान सम्मान मिलता है, क्योंकि पब्लिक की नौकरी है, पब्लिक के बीच में आपको यहाँ पे रहना होता है, जाना होता है। तो कोई भी नौकरी हो पब्लिक के बीच की होती है, तो उसमें मान सम्मान आपको बहुत ही रहता है, ठीक है। और पूरी बात हम करेंगे, ऐसा नहीं पूरा, जैसे कि हम इस पद में किस नाम से हम जानते हैं BDO पद को, आगे हम बात करेंगे किस विभाग का कर्मचारी होता है, और हम बात करेंगे कहाँ तैनाती होती है, बिल्कुल पंचायत से लेकर के जिला स्तर की हम बात करेंगे। वेतन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं इसकी सैलरी क्या है, मतलब सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट को। फिर हम बात करेंगे इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो प्रमोशन है वो किस पद पर होगा, और हम बात करेंगे क्या कार्य आपको इसमें करने होते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं इस पद में, और आगे हम बात करें वर्तमान स्थिति में इन दोनों पदों पर क्या स्थिति है उस पर हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट है आखिर वाला। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाम को। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। तो नाम के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी को पंचायत सचिव भी कहते हैं, पंचायत और सचिव भी कहते हैं, ठीक है, पंचायत सचिव सेक्रेटरी, जैसा कि आपको सुनने में मिला होगा इसे हम सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है, पंचायत सचिव भी इसे हम कहते हैं, BDO के नाम से तो हम जानते हैं। अब ये बात आती है कि ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी है वो किस विभाग का अधिकारी है, तो वो आपका है पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग का कर्मचारी होता है ये, ठीक है, जो आपका, और तैनात कहाँ होता है, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसकी जो है तैनाती होती है। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि सर ये कहाँ पर,
सिलेक्ट होता है, कहाँ से कार्य करना होता है, वो आपका ब्लॉक स्तर पर जैसे रहना होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमें तो पूछ रहा है क्या तहसील स्तर पर, जैसे कि लेखपाल की तरह कार्य करना होता है, लेखपाल तहसील स्तर का जो कर्मचारी होता है ये ब्लॉक स्तर पर रहता है, ठीक है। अगर आप उसकी हम प्रशिक्षण की हम बात करें, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो प्रशिक्षण आपका जो है जिला स्तर पर होता है, कहाँ होता है, जिला स्तर पर भी होता है कुछ समय के लिए, और ब्लॉक स्तर पर भी आपका जो है देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये बात आती है कि जैसे कि अब तैनाती आपकी हो गई, अब आपको पंचायत दी जाती है काम करने के लिए, पंचायत जिसमें पंचायत आपको एक पंचायत ग्राम पंचायत दी जा सकती है, दो भी दी जा सकती हैं, दस भी दी जा सकती हैं, तो ठीक है। तो आपके आपको ग्राम पंचायत पे जो है आपको वर्क करना पड़ता है, ठीक है, ग्राम पंचायत पर। तो ग्राम पंचायत आपको एक भी दी जा सकती है, दो भी दी जा सकती हैं, पाँच भी दी जा सकती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सहायता के लिए, जैसे कि मुख्य पहले हम बात करें कार्य की, तो कार्य में अगर जो भी योजनाएं आती हैं, थोड़ा सा अभी बता दें लेकिन कार्य पर हम विस्तार से बात करेंगे, तो इसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत जो प्रधान होता है, तो प्रधान के माध्यम से जो भी योजनाएं आती हैं वो जन जन तक पहुँचाने का इसका जो है कार्य होता ही होता है। उसके साथ साथ इसका ग्राम पंचायत का जो अधिकारी मुख्य, जैसे कि नाली निर्माण करना, जैसे कि सड़क जो कच्ची सड़क है उसका जो है निर्माण कराना, खरंजे का निर्माण कराना, नलकूप जैसे पानी जो है आपका निकासी का कार्य करना, तो ये सारा चीज़ इसमें जो है काम इससे करना पड़ता है, ठीक है। जो भी पंचायत राज की जो भी योजना है वो जन जन तक जो है इसका क्रियान्वयन करना है। और जो इसकी सहायता के लिए क्या होता है, प्रधान होता है। जब भी किसी के लिए पैसा आता है, जब भी किसी के लिए पैसा आता है, मान चलिए हमें जो है एक कच्ची सड़क का निर्माण करना है, तो उसके जो निर्माण किया है उसका जो पैसा है वो ग्राम प्रधान और जो आपका ये ग्राम पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी होता है उसके साइन के माध्यम, दोनों के साइन होंगे तभी वो पैसा निकलेगा, यानी ऐसे के प्रधान नहीं निकाल सकता है अकेला, ठीक है, दोनों के माध्यम से ये पैसा निकलता है। अब बात ये आती है कि जो इस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी पंचायत में, जैसे कि अगर हम जिला पर हम बात करें तो जिला पर कौन होता है, DPRO, इसे हम क्या बोलते हैं, DPRO यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, समझिए होंगे आप, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। अगर हम इसकी हिंदी की अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाता है जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी। ये जो अधिकारी होता है वो जिला लेवल पे सबसे बड़ा अधिकारी होता है इस विभाग का, किस विभाग का, पंचायती राज विभाग का। अगर हम बात करें BDO जो आपका होता है, उससे ऊपर का पद कौन होता है, वो होता है ADO, ADO पंचायत, ठीक है, ADO पंचायत, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। अगर आपका प्रमोशन होगा तो इसी पद पर होता है, ठीक है, किस पर आपका प्रमोशन होगा, अगर BDO बनते हैं आप ग्राम पंचायत अधिकारी तो आपका प्रमोशन ADO पंचायत पर किया जाता है, ठीक है। जो ADO जो पंचायत होता है वो ब्लॉक स्तर पर आपके विभाग का बड़ा अधिकारी होता है। वैसे ब्लॉक पर अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। लेकिन आपके विभाग का अगर हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग का, तो वो आपका ADO पंचायत, ठीक है, होता है, ध्यान रखिएगा, आपसे जो ADO होता है वो आपसे पूरा एक विभाग का वो आपका कर्मचारी होता है ब्लॉक स्तर। अगर हम बात करें आपके विभाग के ओर, सभी विभाग होते हैं जो ब्लॉक में, उसका सबसे बड़ा कौन होता है अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट BDO, जिसे हम BDO बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि जैसे कि इसका जो वेतन है वो क्या रहता है, जैसे ये वेतन बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा बड़ा इंटरेस्ट रहता है इसमें कि सर वेतन कितना मिलता है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं ग्रेड पे है। अब हम बात कर लेते हैं वेतन को लेकर, देखिए इसका जो ग्रेड पे है, अगर हम बात करें ग्रेड पे, जो ग्रेड पे आपका वो है 2000, ठीक है, 2000 ग्रेड पे है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं उसका जो मूल वेतन बनता है वो लगभग 21000 और लगभग 700 मूल वेतन की हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो महंगाई भत्ता वगैरह जो है TDA जो जोड़ जाड़ के, इसका जो वेतन 25000 के आसपास जो है बनता है, कितना, 25000 के आसपास जो है वेतन आपका बनता है। अब आपके मन में प्रश्न है सर वेतन अधिकारी, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, उसका जो वेतन है 25000 ही है। मैं आपको बता दूं वेतन आपका 25000 है, लेकिन इसमें जो है
कमाई बहुत ज़्यादा है। जैसे ये बात तो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कमाई इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप मैंने बताया था कि जो भी पैसा आता है पंचायत विकास के लिए लगता है, कोई सड़क बननी है कच्ची सड़क, या कोई खरंजा बनना है, या जैसे कि नाली का निर्माण होना है, तो जो वो पैसा आता है वो पैसा इसी के खाते के माध्यम से, जैसा कि दोनों पैसा जो आता है इसी के खाते में और प्रधान की सहमति से, दोनों के साइन से ये पैसा निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधान और दोनों मिलकर के किस तरह का कार्य करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रधान तो आपने देखे होंगे किस तरह से, आप 5 साल में देखो क्या होता है, क्या से क्या हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ये मिलेगी। अगर हम आगे बात कर लेते हैं कि प्रमोशन आपका कहाँ होगा, तो प्रमोशन जैसा कि मैं बताया कि एडीओ पंचायत पर आपका प्रमोशन होगा। आगे अगर हम बात करें एडीओ के बाद जो, अगर वैसे जहाँ तक मेरी अभी तक मुझे जानकारी है कि वैसे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा 80% चांस है कि अगर आप वीडियो पद पर चयन हुए हैं तो वीडियो के पद से ही रिटायर ज़्यादातर बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका हो जाता है प्रमोशन तो एडीओ तक पहुँच भी जाते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात कर लें, वेतन पर बात हो गई कि कार्य क्या करने, तो कार्य को लेकर मैंने पूरा आपको जो है एक बार बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसा कि एक बार पुनः कि जैसे कि कोई आपकी कच्ची सड़क बननी है या आपकी या नाली जो मरम्मत है वो करवाना है, जैसे पंचायत घर का जो है मरम्मत करवाना है, और पेयजल की जो है सुविधा है, जो आपकी जो नलकूप है वगैरह, वो सारी चीज़ें आप अगर आपको यहाँ पर लगानी तो इसी के माध्यम से निकलती। मनरेगा का जो कार्य होता है मुख्य रूप से यही रहता है, खरंजा का निर्माण इन्हीं के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और जो भी कोई योजनाएं आती हैं, जो भी योजनाएं आती हैं वो जो है इसी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये लोग करते हैं। लेकिन इसमें जैसा कि बहुत सारी योजनाएं और हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, उसके बाद जो है क्लियर हो जाएगी। जैसे कि विधवा पेंशन है आपकी, विकलांग जैसे पेंशन है आपकी, जैसा कि आपका जो निर्माण होता है, जैसा कि आवास योजना होती है, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा इसमें, लेकिन बात में आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई इस पद की पूरी आपकी, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि यह ग्राम विकास अधिकारी का, देखिएगा इसे भी बीडीओ ही कहा जाता है, इसका कोई अन्य नाम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका जो विभाग है, विभाग की अगर हम बात करेंगे, इसका नाम सिर्फ बीडीओ के नाम से ही इसे हम ज़्यादातर जानते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलप, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस विभाग का कर्मचारी होता है। देखिए विभाग का कर्मचारी यहाँ पे पंचायत राज विभाग का था, ये आपका ग्राम विकास का, ग्राम विकास विभाग का ये कर्मचारी होता है, ठीक है। और इसमें जो जिला का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, इसकी भी तैनाती ब्लॉक स्तर पर ही होती है, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर इसकी तैनाती होती है। प्रशिक्षण भी यहाँ पे आपका जिला स्तर पर देखने को इसका भी मिलता है, ठीक है। यहाँ भी ये भी ग्राम पंचायत पर ही काम करता है, इसमें भी 1, 2, 3 पंचायतें भी इसमें दी जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली, ठीक है। अब इसमें का जो जो कर्मचारी होता है जिला पे, वो होता है DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, जिला विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, ठीक है। इसका ये कर्मचारी आपको होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब जैसा कि हम बात करें वेतन की, तो इसका जो वेतन, उसका वेतन आपका सेम है, वेतन इसका जो आपका सेम है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसका प्रमोशन की, अगर हम बात करें तो इसका प्रमोशन भी एडीओ पर ही प्रमोशन इसका किया, लेकिन इसमें एडीओ अलग विभाग के होते हैं, वाणिज्य का अलग होगा, कृषि संबंध अलग एडीओ होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो एडीओ पंचायत पर ही होता है, ठीक है, इसका भी एडीओ पर ही प्रमोशन होता है। अगर हम इसकी अब बात कर लेते हैं कार्य की, ठीक है, कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य इसका, जैसा कि कोई योजना जैसे कि आती है ऊपर से, जैसे कि विधवा पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना, जैसे कि आपका आवास योजना है, ठीक है, और जैसे कोई भी सहायता सरकार प्रदान करती है, जैसे कम्बल वितरण योजना हो गई, और अन्य प्रकार की अगर हम बात करें, कोई भी लोन लेना चाहता है, ठीक है, जल कल्याण योजना, कृषि से संबंधित योजना है, कृषि से संबंधित जितनी योजना है वो इसी के माध्यम से जन जन तक अब पहुँचते हैं, ठीक है। अब ये बात होगी इसकी कार्य की। अब बात हम कर लेते हैं क्या क्या चुनौतियां हम इसमें आपको पद में देखने को मिलेंगी दोनों की, अगर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो चुनौती ये है कि ग्राम स्तर पर जो प्रधान होता है, जो राजनीति है
हो सकता है कि प्रधान से ऊपर जो आपका और भी जो नेता होते हैं, ठीक है, ब्लॉक स्तर के होते हैं, तो उनके दबाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वहाँ भी आपको मेंटेन करना होता है। उसके साथ साथ बिचौलिया जो होते हैं, दोनों पदों की अगर हम बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, जो बिचौलिए होते हैं, बिचौलिए का मतलब जो है कि जो आपके पंचायत में जो बिचौलिए इस तरह का काम करते हैं, जैसे कि किसी गरीब से पैसे ठगने का काम करते हैं कि हमें इतने 10,000 रुपये दे दो, हम अब आपके लिए आवास जो है आवास की हम बात करेंगे बीडीओ साहब से, या आप हमें 500 रुपये दे दो हम आपकी पेंशन बढ़वा देंगे, या और अन्य प्रकार की जैसे कृषि संबंध जैसे कोई लोन वगैरह लेनी हो तो हमें आप 50,000 रुपये दे दी हम आपकी इतनी लोन करवा देंगे। तो ये बिचौलियों का भी इसमें ये सारी चीज़ देखने पड़ती हैं इसमें जो है, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं, ये तो होगी दोनों पदों की पूरी जानकारी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान पद जो है स्थिति क्या है। तो देखिएगा, अगर आप इसमें भर्ती होते हैं, बस अंतर अब आपको यहाँ ये देखने को मिलेगा कि जो वीडियो अगर आप बन गए चाहे ग्राम पंच, पहले ये कार्य दोनों का अलग अलग हुआ करता था, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया। वर्तमान अब जो स्थिति ये है कि दोनों, चाहे आप ग्राम पंचायत अधिकारी हैं चाहे ग्राम विकास अधिकारी, दोनों का काम अब जो है सेम कर दिया गया है। यानी कि अगर ग्राम पंचायत अधिकारी आप बन गए हैं तो आप ये भी काम आपको ये देखने को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ग्राम विकास अधिकारी बन गए तो ये भी काम आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है, कमी को देखते हुए अब क्या करते हैं कि उसी को ही वही काम दे देते हैं जो इस ग्राम विकास अधिकारी करना है, अगर ये है नहीं तो इसको ये काम दे देते हैं। तो जैसा कि अगर एक पद अगर मान लें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, इसका जो नया नाम जो है आपका इस तरह का भी मान सकते हैं कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, ठीक है। और जैसा कि बस इतना अंतर है कि अगर आप इसमें चयनित होंगे तो आपका वेतन इस विभाग से आएगा, अगर आप इसमें चयनित होंगे तो आपका इस विभाग से वेतन आएगा। सेम कंडीशन, सेम सब कुछ वही है, आपको ज़्यादा अंतर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब आपको जैसे मान चलिएगा अगर आप ग्राम विकास अधिकारी हो गए तो आप मान चलिए हम सेक्रेटरी हैं, अपन जो पद है वो समन्वय कर करके ज्वाइंट कर करके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो है आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि दोनों पदों का जो काम है वो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों ही कार्य करते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने दी, और आगे भी हम ये बात करेंगे कि लेखपाल पद में और बीडीओ के पद में कौन सा पद आपके लिए जो है अच्छा है, दोनों की हम जो है अंतर आपको लिए आगे की बीडीओ प्राप्त होगी उनसे संबंधित होगी, लेखपाल से संबंध होगी कि ये पद भी किस प्रकार है, क्या उसका वेतन है, उस पर भी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।